हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आज 29 मई थी, तो आज बीसीसीआई की एसजीएम मीटिंग थी, स्पेशल जनरल मीटिंग थी। तो मीटिंग समाप्त हो चुकी है। तो आईपीएल 2021 के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है बचे हुए मैचेस के लिए। तो आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर एक बड़ा अपडेट बीसीसीआई ने हमें दिया है, सभी फैंस को दिया है। तो चलिए पाँच डिसीजन की ओर बढ़ते, क्या पाँच डिसीजन इन्होंने लिए। तो पहले मैं बता दूँ, अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो बड़ा अपडेट आता है, आईपीएल के वेन्यू को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अभी पक्का कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचेस यूएई में होंगे, और तीन स्टेडियम भी कंफर्म कर दिए हैं, अबू धाबी, शारजा और दुबई का स्टेडियम। ये तीन स्टेडियम कंफर्म अब हो चुके हैं, यूएई में मुकाबले होने वाले हैं। तो ये था बड़ा डिसीजन। पहले तो इंग्लैंड में भी करवाया जा सकता था, ये एक बड़ी खबरें आई थी, लेकिन यूएई में अब पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। ये था पहला डिसीजन जो लिया गया। अब आईपीएल 2021 की स्टार्टिंग डेट को लेकर एक बड़ा डिसीजन आया है। आईपीएल 2021 की स्टार्टिंग डेट है 19 सितंबर। 19 सितंबर से अब ये चालू होंगे सभी आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचेस। पहले मैच की बात करें, शेड्यूल को बात करें, तो पहले मैच जो होगा वो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच होगा, जहां से ये पोस्टपोन हुआ था। आईपीएल 2021 वहीं से ही शुरू होगा। तो एक बड़ी खबर है सभी आईपीएल के फैंस के लिए, सभी मैचेस करवाए जाएंगे। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि सिर्फ प्लेऑफ्स के होंगे, लेकिन अब पूरी तरह से कंफर्मेशन आ गई है बीसीसीआई की तरफ से। जो तीसरा बड़ा फैसला वो आईपीएल 2021 के फाइनल को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के फाइनल को लेकर भी डेट बीसीसीआई ने कन्फर्म कर दी है, वो होगी 10 अक्टूबर। 19 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में सभी मुकाबले हमें कवर होते हुए दिखेंगे, जिसमें 10 डबल हेडर होंगे। तो ये थी बड़ी खबर। टाइमिंग की बात करें तो वही टाइमिंग होगी, 3:30 बजे मुकाबला, अगर दोपहर को होता है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। तो ये था तीसरा जो बड़ा अपडेट फाइनल को लेकर। जो नेक्स्ट जो बड़ी खबर आती है वो थी आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के शेड्यूल को इस मीटिंग में बड़ी बातचीत की गई है दोस्तों। दरअसल शेड्यूल रिलीज किया जा चुका है बीसीसीआई की तरफ से, और इन्होंने सभी फ्रेंचाइजी को, आईपीएल की फ्रेंचाइजी को सेंड भी कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी ऑफिशियली अनाउंस होगा 2-3 दिनों में शायद हो जाएगा, तो इस चैनल पर वीडियो आ जाएगी, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दे। ये थे चार बड़े अपडेट आईपीएल को लेकर, आईपीएल 2021 के रीस्टार्टिंग डेट को लेकर। अब टी20 वर्ल्ड कप का जो बड़ा अपडेट है, पाँचवा और आखिरी बड़ा अपडेट जो इस मीटिंग में लिया गया है, दरअसल बीसीसीआई ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया की होस्टिंग नहीं होगा, इंडिया नहीं करवाएगा होस्ट। कोविड के चलते इंडिया टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कराएगा, ये यूएई में हो सकता है, यूएई में ही होगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। ये थे पांच बड़े डिसीजन जो कि बीसीसीआई ने लिए हैं इस एसजीएम मीटिंग में। आप कमेंट करके जरूर बताएं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपको अपडेट लगा, कौन सा डिसीजन लगा बीसीसीआई का आईपीएल 2021 के लिए। तो ये थे एसजीएम मीटिंग में लिए गए फैसले। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।